राम राम मेरे भाई लोग, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज अंदर बैठ के आपका भाई इसलिए वीडियो बना रहा है क्योंकि आपको बादल गरजने की आवाज़ तो आ ही रही होगी। ऊपर पीछे दिखा भी दूँ, बारिश हो रखी है तो बाहर तो जा ही नहीं सकता भूल के भी। और यार बड़ा ही बुरा लग रहा है कि लॉकडाउन में इतना अच्छा मौसम हो रखा है। मतलब ये मानसून का जो सीज़न है वो मेरा फेवरेट सीज़न था, और उन सब के बीच में ये भाई बड़ा बुरा लगता है। मैं दिखाऊँ तो बारिश एक बार आप लोगों को, देख सकते हो ये देखो बारिश। और एक बार आप लोगों के लिए बाहर भी चले जाऊँ तो भी जो है पता चल जाएगा, बादल गरज रहे हैं वैसे, पर ये बारिश देख सकते हो भाई क्या जबरदस्त बारिश है। और बेचारी गायें गौ माता खड़ी हैं पेड़ के नीचे। तो भाई सीन ऐसा है कि टाटा की हैरियर जो है, आपको पता होगा क्या जबरदस्त गाड़ी है, मैं बारिश में भीग रहा हूँ भाई। खैर सब छोड़ते हैं भाई, मज़ा आ रहा है, इतनी गर्मी है तो उसमें भीगना है भाई। टाटा की हैरियर जो है उसका छोटा वर्जन आने वाला है अपने इंडिया में, और रोड पे भी देखी गई है, पकड़ी गई है, पाई गई है, एंड सीक्रेट इमेजेस हैं, वीडियो हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखिएगा। गाड़ी का क्या नाम है, क्या कुछ फीचर्स के साथ साथ आएगी, क्या कुछ प्राइस है, वो सब आपको पता ही चल जाएगा अगर एंड तक देखोगे वीडियो। तो बिना टाइम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि भाई टाटा के लिए एक लाइक कर दीजिए। लाइक इसलिए कर दीजिए क्योंकि पहले जो हुंडई की गाड़ियां थी उनके डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छे थे, बट अब जो टाटा की गाड़ी है उनके डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छे मैं मानता हूँ आज की डेट में। स्टार्ट करते हैं हम टिगोर से भाई, क्या धांसू डिजाइन है। टियागो का भी जो नया डिजाइन है काफी ज्यादा बढ़िया है, उसके बाद हैरियर, देन अपनी अल्ट्रॉस, सबसे ज्यादा अच्छे डिजाइन के साथ गाड़ी आ रही है। अब फाइनली जो है अपने सामने टाटा हैरियर का एक छोटा वर्जन आ चुका है, जिसको आप टाटा HBX, टाटा H2X या टाटा हॉर्नबिल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा फ्रंट स्क्रीन पे कि भाई एक पुणे में जो गाड़ी है वो टेस्टिंग करती पकड़ी गई है, तो कैमोफ्लॉज में है बेसिकली ये गाड़ी। एंड गाड़ी को देखते से सीन ये समझ आता है कि भाई गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है टू किसके, टाटा हैरियर के। तो तभी हमने इसको टाटा हैरियर छोटा वर्जन बोला है। यहाँ पे मैं चलते चलते आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ इसकी कि भाई क्या कुछ फीचर्स के साथ ये गाड़ी आने वाली है। तो सबसे पहले भाई इंजन की बात करेंगे, तो क्योंकि ये एंट्री सेगमेंट की गाड़ी होने वाली है एंड इसमें आपको सेम इंजन मिलेगा जो कि आपको टियागो में मिलता है, टिगोर में मिलता है और अल्ट्रॉज में। तो गाइज इसमें आपको सेम वही इंजन मिलेगा जो तीनों गाड़ियों में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द पीपल्स की, तो इसमें मिलेगा आपको 86 HP का जो इंजन है वो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स मिलने वाला है। तो भाई ये तो थी कुछ जो अपनी गाड़ी है उसके इंजन की बात। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्या कुछ एडिशनल फीचर के साथ आने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलने वाली है 7 इंच टच स्क्रीन की इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और सबसे चीज बताऊं कि ये जो चीज है भाई ये किसी और कंपटीटर में भी तक अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ी है उनमें आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट बात करें तो भाई इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, यानी कि आपको इसमें आपको मिलेगा 7 इंच का कलर डिस्प्ले फीचरिंग वर्चुअल टैकोमीटर जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है यहाँ पे, एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं डिजिटल मीटर्स जो होते हैं। उसके बाद आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स मिलेंगे जैसे कि आपको हैरियर में भी देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ जो है कॉमन रहने वाली है हैरियर और इसमें। क्रूज कंट्रोल के साथ ये गाड़ी आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कि भाई इस रेंज में जो है क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर हम लोग बात करें भाई हरमन का, इसमें साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा आपको ट्विटर्स के साथ। तो भाई ऐसा कुछ था जो अपना नया टाटा HBX यानी कि जो छोटी हैरियर है वो। यहाँ पे देखो भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है बट ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई ये गाड़ी चल पाएगी या नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा डाउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस सेगमेंट में दो ऑलरेडी गाड़ियाँ फेल कर चुकी हैं। सबसे पहले महिंद्रा की जो अपनी KUV100 है वो, भाई महिंद्रा KUV100 इसलिए फेल करी क्योंकि इसका डिज़ाइन बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं आया मेरे को। उसके बाद जो है भाई अपनी मारुति सुजुकी इग्निस वो भी इतने अच्छे डिज़ाइन के साथ नहीं आई थी, बट यहाँ पे जो टाटा HBX है माइक्रो SUV काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन के साथ आ रही है। प्राइस सेगमेंट है वो भी इसका कम रखा जाएगा, लगभग 5 लाख के आसपास ये जो गाड़ी है आपको मिल जाएगी। तो भाई ऐसी कुछ थी अपनी जो आज की वीडियो है, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा। ये थी अपनी जो फर्स्ट छोटी हैरियर है, मिलते हैं कल नई वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा मैंने आपको गाड़ी की पूरी डिटेल्स बताई कि क्या कुछ आएगा गाड़ी में, कैसी गाड़ी आएगी। तो भाई मेरे से पूछा जाए तो टाटा की तरफ से अच्छा स्टेप भी है, बुरा स्टेप भी है। अच्छा इसलिए बिकॉज डिजाइन बहुत ज्यादा धांसू है और काफी ज्यादा बढ़िया गाड़ी है, नो डाउट। बुरा स्टेप इसलिए बिकॉज ये उस सेगमेंट में लॉन्च करी जा रही है जहां पे दो ऑलरेडी गाड़ी बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं। एक तो हो चुकी है महिंद्रा की KUV100 जो है आप लोगों को पता ही होगा, और दूसरी जो है अपनी मारुति की इग्निस। भाई थोड़ा सा धुंध सी आ रही होगी कैमरे पे, रीजन ये है कि पानी वानी पड़ रहा है। तो भाई मारुति की इग्निस और KUV100 है वो बिल्कुल अच्छा कर ही नहीं पाई थी गाड़ी, एंड उन सबके बीच में टाटा ने उसी सेगमेंट में गाड़ी निकाली है।
तो लेट्स सी क्या कुछ होता है. वैसे तो छोटी एसयूवी बोले जा रहा है उसे, एंड कैसी कुछ रहेगी गाड़ी आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा कि चल पाएगी या नहीं चल पाएगी इंडिया में. खैर भाई लोग आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था. उम्मीद करता हूँ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नई वीडियो में. बाय बाय, धन्यवाद.